इन दिनों राजकुमार हिरानी अपनी हालिया रिलीज फिल्म डंकी को लेकर सुर्खियों में है। फिल्म में इमोशनल ड्रामा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दिल सबका जीतने में कामयाब हुई है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि राजकुमार हिरानी की फिल्में यूं तो ब्लॉकबस्टर होने के लिए ही बनती हैं, फिर चाहे वो उनकी पीके हो या फिर मुन्ना भाई। आपको बता दें कि अब डंकी की सक्सेस के ऊपर बात करते हुए राजकुमार हिरानी ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म मुन्ना भाई MBBS की फ्रेंचाइजी की मोस्ट अवेटेड तीसरे पार्ट के बारे में एक्साइटिंग अपडेट शेयर की है। आपको अगर याद हो तो बता दें कि राजकुमार हिरानी ने साल 2003 में पहली बार अपनी कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई MBBS के साथ दुनिया को मुन्ना भाई के रूप में संजय दत्त और सर्किट यानी कि अरशद वारसी के आइकॉनिक किरदारों से रूबरू कराया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। इसके बाद हिरानी ने इस फिल्म का सीक्वल 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई रिलीज किया। इस फिल्म में एक बार फिर संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी ने लोगों के दिल को छू लिया। तब से लेकर अब तक फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर चर्चा जारी है। फैंस बीते 17 साल से इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट के कंफर्म होने की ताक में लगे हैं। कई बार सुनने में आता है कि ये फिल्म शुरू होने जा रही है, पर अब तक इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन मुन्ना भाई MBBS के तीसरे पार्ट का वेट कर रहे फैंस के लिए अब एक खुशखबरी है। दरअसल एक इंटरव्यू में हिरानी ने मुन्ना भाई के तीसरे पार्ट पर बात की है और बताया कि मुन्ना भाई के साथ हमेशा मेरा यही स्ट्रगल रहा है कि पिछले दो फिल्में इतनी अच्छी बन गई हैं कि मेरे पास 5 आधी लिखी स्क्रिप्ट अभी तक पड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं पिछले दोनों फिल्मों के लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, उस हिसाब से स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा तो तीसरी नहीं बना पाऊंगा। मेरे पास एक कहानी है जो बनाई जा सकती है। हिरानी ने आगे कहा कि इसे लेकर मेरी संजू यानी संजय दत्त से भी अक्सर बात होती है, वो भी कहते हैं कि एक और पार्ट बनना चाहिए। अभी ये डंकी खत्म हुई है तो मैं अपनी पुरानी कहानियों का पिटारा दोबारा खोलूंगा। मन तो है कि एक मुन्ना भाई का पार्ट और बने। अब कब तक बनेगी ये फिल्म वो मुझे अभी तक नहीं पता, पर कुछ कहानियां आउटडेटेड हो जाती हैं तो अब ये वक्त ही बताएगा कि ये फिल्म कब बनेगी। इस इंटरव्यू के बाद आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही हिरानी फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर काम शुरू कर सकते हैं। फिलहाल वो एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हैं। आपको हमारी एंटरटेनमेंट की खबरें कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी एंटरटेनमेंट भरी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।